हेलो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका आज का दिन? फ्राइडे ने पूरा जो सेंसेक्स का मूवमेंट है, सेंसेक्स के प्रीमियम में बहुत उथल पुथल हुई है। सीधा 40 रुपये वाला प्रीमियम 400 रुपये, मतलब फिर से 40 आ रहा था, डबल डबल नीचे ऊपर जा रहा था। चलो आज देखेंगे मार्केट में क्या हुआ। उसके पहले एक न्यूज़ जो इंडियन मार्केट के लिए सबसे बुरी हो सकती है और रिटेलर ट्रेडर के लिए सबसे बुरी न्यूज है। देखो यहाँ क्या लिखा है, FNO ट्रांजेक्शन में अट्रैक्ट हाई टैक्स, मतलब 30% का टैक्स लगाने का ये सोच रहे हैं। और ये फिर स्पेकुलेटिंग इनकम में, देखो यहाँ लिखा है FNO इनकम इज अ मोर टू स्पेकुलेटिव इनकम, मतलब आपका इनकम जो है क्रिप्टो करेंसी जैसा स्पेकुलेट होगा और ये बिजनेस में नहीं आएगा। अगर ये न्यूज़ सही होती है और ऐसा से भी करती है तो अपना जो FNO ट्रेडिंग है वो बिजनेस में नहीं बल्कि स्पेकुलेशन में आएगा। उम्मीद है ये ना हो, क्योंकि रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत बुरी खबर है। क्योंकि पहले ही ट्रेडिंग मतलब एक अलग ही लेवल माना जाता है, इसलिए ये न्यूज़ अगर नहीं होगी तो ही अच्छा होगा। ठीक है, जो है देखेंगे। आज का दिन हमारा जो निफ्टी का था, जो कल हमने डिस्कस किया था, कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था, कल जो हमने डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल फिर से अंदर ही क्लोजिंग करेगा, वैसे ही आज भी सेम जो परसों किया था आज भी सेम किया। एक बड़ी रेड कैंडल, जो इतने दिनों से रेड ही कैंडल बना रहे थे, आज भी हम एक बड़ी रेड कैंडल से क्लोजिंग दिए। और मैं जो सोच रहा था, क्या मार्केट एक नया हाई लगाएगा ऊपर की तरफ और मार्केट 100-150 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करेगा, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और जिधर अपना ऑल टाइम हाई उधर ही ओपन हुआ, उधर से रेड कैंडल फॉर्म हुई और निफ्टी एकदम नीचे की तरफ अपने जो कल का लो है और जो परसों का भी जो लो था उसके ही आसपास मार्केट आके रुका है। मतलब 2 दिन वाली रेंज ये आप देख रहे हो ना, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताता हूँ, ये 2 दिन की रेंज, 2-3 दिन की रेंज यहाँ बना रहा है मार्केट। 23,650 और नीचे 23,450, मतलब ये 200 पॉइंट के रेंज में है। अगर ये रेंज से हम बाहर निकलते हैं, ऊपर की तरफ निकले, तो भी एक अच्छा ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, नया ऑल टाइम हाई। लेकिन अभी तो फिलहाल तो लग रहा है ये नीचे की तरफ, ये क्लोजिंग बहुत नीचे दिया है, तो नीचे की तरफ हम मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकते हैं या तो फ्लैट भी खुल सकते हैं और इसे तोड़ते हैं 23,450 से नीचे, तो फिर ये हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, ये एनालिसिस मैं संडे के दिन डाल दूंगा, मंडे के एनालिसिस। लेकिन आज जो मार्केट ने बिहेव किया, मार्केट एकदम अंदर ही 100 पॉइंट के अंदर ही क्लोजिंग दिया है। और हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी जो सेम बैंक निफ्टी ने भी वही किया है। हमने जो कल के एनालिसिस में कहा था, अगर बैंक निफ्टी 52,000 ब्रेक करता है तो हमको नया हाई देखने को मिल सकता है, 52,500 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने वो नहीं किया। मार्केट एकदम अंदर ही ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ सुबह और एक रेड कैंडल, फुल रेड कैंडल के साथ मार्केट नीचे की तरफ आया और कल का जो लो है हमारा वही लो टेस्ट किया। अब ये लो जो मैंने आपको कहा है, ये लक्ष्मण रेखा नीचे, ये जो 51,250 और नीचे 51,000, मैं आपको बोला बेरिश आपको निफ्टी बैंक में कब होना है जब 51,000 के नीचे हम चले जाए। और आज जो हम 51,250 मतलब कल का लो हमने टेस्ट किया और फिर से हम अंदर आ गए। तो यही अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी वही है, डेली टाइम फ्रेम पे हम अंदर ही क्लोज हुए होंगे। हाँ देखो, एक बड़े रेड कैंडल के साथ हम अंदर क्लोज हुए, इतने दिन ये रेंज तोड़ के ऊपर गया था मार्केट, ऑल टाइम हाई बनाया और एक अच्छी डोजी टाइप कैंडल, हैंगिंग मैन टाइप कैंडल रेड हम क्लोज हुए। ठीक है, देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है, मंडे के एनालिसिस में डाल दूंगा। और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी, आप उसको सब्सक्राइब करो। मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक और इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करो और टेलीग्राम भी ज्वाइन करो। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बहुत अपने दोस्तों से शेयर करो। और जो आज प्रॉब्लम हुआ था जीरोधा में, बहुत ग्लिच वगैरह हुआ था जीरोधा, बीच में क्लोज भी हुआ था, तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम धन में करते, तो धन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक में जाके धन
अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। और जो हमारा आज धन में प्रॉफिट हुआ था 3,500 का ही प्रॉफिट है, ज़्यादा नहीं है। हम कॉल साइड ही बैठे थे, पुट साइड हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, प्रीमियम ज़्यादा वोलेटाइल थे, इसलिए हमने आज कम ट्रेड किया। देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है। थैंक यू।